नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय, न्यूटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए मेरे ट्रायंगल हार्ट, और सर्दियों में ठंड अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ। तो आज मैं आपको कलानचोय प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा। ये देखिए मेरे कलानचोय प्लांट है। तो आपके वहाँ अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही, कलियाँ नहीं बन रही, मेरे भी यही प्रॉब्लम है। तो इसका क्या हमें उपाय करना चाहिए, किस तरह हमारे पौधे में फ्लावरिंग लाए और कलियाँ लाए और हमारे पौधे को हेल्दी और हरा भरा बना रहे रखिए। अभी मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 7 बजे है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास देखिए काफ़ी सारे कलानचोय के प्लांट हैं और सब में वही कंडीशन है। देखिए तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसकी देखभाल किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसमें कुछ काम किया नहीं था और ऐसे ही मेरे पौधे पड़े थे। तो दूसरे पौधों में जो मैं काम किया है तो उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि वो पौधे कैसे हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये पौधे दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से है कलानचोय के प्लांट, और इनकी पत्तियाँ ऐसे क्यों रहती है तो उसके बारे में जानकारी दूंगा, और इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें, अच्छी सी फ्लावरिंग हो, कलियाँ बने, उसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले कि आपके प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्लांट को कैसी जगह पे रखा है, उस हिसाब से आपका पौधा सर्वाइव करेगा। मिट्टी में लगाने की बात तो आती है, साथ में आपने कैसी जगह पे रखा है वो बात भी आती है। तो जब आप कलानचोय की कटिंग लगा रहे हो तो उसको ऐसी सॉइल दीजिए जो बहुत ही अच्छी हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इसकी रूट्स ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाती नहीं है। देखिए ये मेरी मिट्टी है, और मिट्टी में आप देख सकते हो पूरी एकदम अंदर आपको रिवर्स एंड दिखेगी। तो इसमें मैंने लगभग 30-40% रिवर्स एंड मिलाई है, और 30% जितनी इसमें मैंने मिलाई थी गार्डन सॉइल, 30 से 40% गार्डन सॉइल मिलाई थी, 20% जितना, 10 से 20% मैंने इसमें राइस हस्क मिलाया था, और थोड़ी सी खाद मिला के ये मिट्टी बनाई थी और इसमें ये पौधे लगा दिए थे। जो कटिंग मैंने ग्रो की थी वो कटिंग इसमें रिपोर्ट कर दी थी, क्योंकि ये कटिंग ग्रो करने के लिए हम अलग से मिट्टी रखते हैं। कटिंग के लिए ओनली गार्ड रिवर्स एंड, जो कंस्ट्रक्शन सॉइल आती है जिसे बालू मिट्टी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते, और रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी अलग बनाते। तो इस तरह से मैंने ये मिट्टी बनाई थी कि जिसमें गार्डन सॉइल, रिवर सैंड और राइस हस्क तीनों मिक्स थे। तो ये रिपोर्ट किया मैंने लगभग 2 महीने से ऊपर हो गया, 3 महीना हो गया होगा, और देख सकते हो तो अब तक जहाँ पड़ा था वहाँ एकदम क्या बोले कि पूरी धूप दिन भर की आती रहती थी। जब मैंने रिपोर्टिंग की उसके बाद मैंने थोड़े टाइम रखा शेड में, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया पूरे दिन की धूप, और ऐसी जगह पे रखा जहाँ मैं ठीक से इसका ध्यान भी नहीं रख पाता था, क्योंकि ज़्यादातर मेरे अर्डेनियम में और दूसरे पौधों में टाइम निकल जाता, ये पौधे ध्यान में नहीं आते थे। जो बाहर रहते थे वो पौधे में मैं थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र दे देता था, इसमें फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया, कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी सूखी जो पत्तियाँ हैं वो सब हटा देनी है, सूखी पत्तियाँ पौधे की, और मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है इस तरह से। मिट्टी की गुड़ाई करने से ये होगा कि मिट्टी अच्छी हो जाएगी, और मिट्टी में आप कोई फर्टिलाइज़र दोगे तो ये पौधे में अच्छे से जाएगा। तो इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेनी है, ये देखिए ये गुड़ाई, और गुड़ाई के बाद कौन कौन सा फर्टिलाइज़र वो दे सकते हो आप, वो बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है वो है ये, देखिए दोस्तों इसको तो आप देख के पहचान ही गए कौन सा फर्टिलाइज़र है, ये DAP है। तो DAP का इस्तेमाल करेंगे हम। आप DAP यूज़ करना नहीं चाहते, ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट और नीम खली कुछ भी डाल सकते हो। वर्मी कंपोस्ट डालो तो उसमें नीम खली साथ में डाल दीजिए, और किचन वेस्ट कंपोस्ट डालो तो भी नीम खली उसमें साथ में डालिए। अगर गोबर की खाद डाल रहे हो तो उसमें क्या है कि इस पौधे की जड़ें सड़ने की संभावना बढ़ जाती है,
क्योंकि गोबर की खाद अगर आपकी सड़ी नहीं होगी, किचन वेस्ट अच्छे से बनी नहीं होगी, उसमें फंगस के बैक्टीरिया होंगे, तो क्या है कि इसकी जो जड़ होती है बहुत ही नाजुक रहती है, तो वो सड़ जाएगी, गल जाएगी और फिर आपका पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। पौधा ये ख़त्म होता है तो ऊपर से आपको पता नहीं चलता, जो नीचे वाली ये जो स्टेम होती है इसकी, यहाँ से गलना स्टार्ट होती है धीरे धीरे धीरे। अगर आपको टाइम से पता चल जाए तो आप कट करके उसकी कटिंग लगा दीजिए, तो ये प्लांट बच जाता है। मैं छोटा सा प्लांट एक लेके आया था, तो इससे मेरे पास ढेरों प्लांट हो गए, दूसरे प्लांट भी है दूसरी जगह पर रखे, वो भी आपको दिखाता हूँ। पर ये काम आपको करना है कि इसमें फर्टिलाइज़र देना है गुड़ाई के बाद। तो हमने गुड़ाई कर ली है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे दूँगा। देखिए इस तरह गमले के हिसाब से आप दे सकते हो, 8-10 8-10 दाने। आपने देखा होगा नर्सरी में, आपको एक पौधा लेने जाओगे तो उसमें वाइट वाइट दाने पड़े रहते हैं, या जब आप पौधा घर पे लाते हो और रिपोर्ट करते हो तो उसमें, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि परमानेंट आप ये इसी खाद का इस्तेमाल करो, बारी बारी से खाद बदलते रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पौधे होते उन्हें एक जैसी हम खाद देंगे तो वो उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे, और कभी कभी क्या है कि वो खाद की वजह से मिट्टी भी हमारी ख़राब हो सकती है, इसीलिए हर बार हमें केमिकल खाद यूज़ नहीं करनी है। तो इस तरह से हमें डाल देना है, और साथ में डालनी है थोड़ी थोड़ी हमें नीम खली। नीम खली क्यों डालनी है, क्योंकि नीम खली बहुत अच्छी रहती है पौधे के लिए और हमारी मिट्टी के लिए। तो ये देखिए, यहाँ इसको नीम केक भी बोलते हैं, नीम खली भी बोलते हैं, तो ये नीम खली है, तो इस थोड़ी थोड़ी आधी आधी चम्मच डाल देंगे। कोई भी फर्टिलाइज़र दो पौधे को, गमले के हिसाब से हमें देना चाहिए। अगर छोटा गमला है तो कम दीजिए, बड़ा गमला है तो थोड़ा उससे क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। बट छोटे गमले में हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो क्या होगा कि फिर हमारा पौधा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये दो फर्टिलाइज़र हमने दिए हैं, और ये फर्टिलाइज़र देने के बाद इस तरह से मिट्टी में कर दीजिए, और इसमें पानी दे देना है हमें। फर्टिलाइज़र देने का काम आप जब भी करें मॉर्निंग के टाइम पे करें, क्योंकि मॉर्निंग में क्या है कि आप फर्टिलाइज़र दोगे, पानी दोगे, तो पूरा दिन वो प्लांट अपने अंदर लेता रहेगा। अगर इवनिंग में दोगे तो कभी कभी फंगस लगने के चांस बढ़ जाता है। तो चलिए मैं आपको दूसरे पौधे दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरे दूसरे पौधे पड़े हुए, और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हो, और इसमें तो छोटी छोटी कलियाँ भी निकल रही है अंदर से। तो ये देखिए, तो इसमें भी मैंने अभी ये दिया DAP के दाने डाल दिए है। तो फ़र्क ये रहता है कि पूरे दिन के हम धूप में रख देंगे तो हमारे जो ये सीजनल प्लांट है उनको वो अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको 3-4 घंटे की धूप मिले और आपका पौधा अच्छे से सर्वाइव करेगा। इसको रेगुलर टाइम पे फर्टिलाइज़र दे दीजिए, 20-25 दिन में एक बार आप इसमें गोबर की खाद दे दीजिए या किचन वेस्ट दे दीजिए, पर खाद हमेशा सड़ी हुई होनी चाहिए, किचन वेस्ट या गोबर की खाद। अगर वो दो अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। और ये DAP के दाने तो मैंने ये दूसरी बार डाले हैं, जब एक बार रिपोर्ट किया था तब थोड़े दाने थे, और अब दूसरी बार मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। तो सभी खाद का मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ, और आपको जानकारी देता हूँ कि किस तरह हमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, ओके फ्रेंड, बाय।